हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट्स फैशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं शेयर करूँ कुछ लहंगे का रिव्यू जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया और मीशो से परचेज किया। ये जो है वो सेमी स्टिच में होगा और कई पुलिस स्टिच में होगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला लहंगा चोली है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। ये पर्पल कलर मैंने परचेज किया था। इसमें जो आपको कलर्स है, इसमें आपको दो कलर्स मिलेंगे, एक ये पर्पल कलर में और एक आपको रानी पिंक कलर में मिल जाएगा। तो ये जो लहंगा चोली है वो आपको सेमी स्टिच में मिलेगा। इसका जो चोली का जो फैब्रिक है वो नेट में है और लहंगे का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट में है। और ये इसका दुपट्टा है नेट में, चारों तरफ बॉर्डर दी हुई है जिसमें सीक्वेंस वर्क का काम किया हुआ है इसमें। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक है दुपट्टे का। और इस लहंगे में पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। और ये इसका लहंगा है, इस तरीके का इसका लुक है इस लहंगे का। और इसमें इनर अटैच है लहंगे में, तो इसका लुक कुछ इस तरीके का है। फ्लावर वाले प्रिंट का डिज़ाइन है सीक्वेंस वर्क में, तो फुल भरा हुआ है। लेकिन इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी ही पतला है और बहुत ही कम कपड़ा मिला है मुझे इसमें। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसा इसका लुक है। तो बॉटम में पूरा ही भरा हुआ है सीक्वेंस वर्क से एम्ब्रॉयडरी वर्क में, लेकिन इसका कपड़ा ही मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखने में इसका लुक काफ़ी प्यारा है। अगर आपको परचेज करना है, लिंक जो है वो मैंशन कर दूँगी। और इसका जो प्राइस है वो 1300-1400 के आसपास है, तो आप देख लीजिएगा डिटेल्स। मैं लिंक जो है वो मैंशन कर दूँगी। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सेकेंड लहंगे की, जिसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही चुके हैं। और ये वाला जो लहंगा चोली है ये भी सेमी स्टिच में है। तो इसका जो चोली का लुक है कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको ये फैब्रिक मिलेगा जिसमें सीक्वेंस वर्क है। और इसका जो चोली का जो फैब्रिक है वो नेट में है। और इसका जो नेक का डिज़ाइन है वो यू नेक में होगा। और ये बैक से एकदम सिंपल है, कुछ इस टाइप में इसका चोली का फैब्रिक मिलेगा आपको। और इसके साथ आपको एक दुपट्टा मिलेगा 2 से 2.5 मीटर का, जो कि इस दुपट्टे में दोनों साइड आपको लेस लगी हुई मिलेगी सिल्वर कलर में। तो कुछ इस तरीके का इसका दुपट्टा है। और इसका जो फैब्रिक है वो नेट में होगा। और इस लहंगे चोली में जो आपको कलर ऑप्शन है वो आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक कलर में है। और इसमें और भी कलर्स है लेकिन मुझे दो शो हुए तो मैं आपको दो ही बता रही हूँ। अगर और भी कलर्स होंगे तो मैं लिंक मैंशन कर दूंगी उनकी। ये इसका लहंगा है कुछ इस तरीके का। लहंगे का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है पूरे लहंगे पर, और इनर अटैच है इसके। लहंगे का जो बॉटम है उसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क से डिटेलिंग की हुई है। तो इसका कुछ लुक इस तरीके का था। और इसका जो प्राइस है बहुत ही चिपेस्ट रेट में मुझे ये लहंगा चोली मिल गया था। 316 रुपये में ये लहंगा चोली मुझे मिल गया था। और अभी इसका जो प्राइस है वो 405 रुपये है। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक जो है वो मैंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। तो थर्ड जो लहंगा है वो मैंने मीशो से परचेज किया और ये एकदम फुली स्टिच लहंगा चोली है। तो फटाफट से मैं इसको खोलती हूँ और आपको इसका लुक दिखाती हूँ, इसका लहंगा चोली का, जो कि एकदम फुली स्टिच है। इसमें जो आपको साइजेस है वो लार्ज से डबल एक्सल तक साइजेस मिलेंगे, और आपको फ्री साइज में भी ये लहंगा चोली मिल जाएगा। तो इस लहंगे चोली की ये चोली है कुछ इस तरीके की, जो कि आपको कट स्लीव में मिलेगी। अगर आपको कट स्लीव पसंद नहीं है तो आपको इसमें अलग से स्लीव भी अटैच मिल जाएगी। तो ये चोली का फ्रंट का लुक है कुछ इस तरीके का। इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क की हुई है और सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। इसमें पूरी डिटेलिंग दी हुई है एम्ब्रॉयडरी वर्क की लहंगे और चोली दोनों में। तो फ्रंट में इसका लुक कुछ इस तरीके का है। और इसमें लटकन दी हुई है बैक पर, और इसमें लाइनिंग दी हुई है। तो बैक का लुक भी आपको दिखा देती हूँ कैसा इसका लुक है बैक का। तो बैक और फ्रंट का दोनों ही सेम डिज़ाइन है, और बैक और फ्रंट में दोनों में ही एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, फुल डिटेलिंग से ये भरी हुई है। और इसका जो नेक का डिज़ाइन है बैक का वो यू में है, और फ्रंट का जो नेक का डिज़ाइन है वो वी में है। तो ये इसकी चोली थी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके लहंगे की। लहंगा जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और क्वालिटी बस थोड़ी बहुत ही अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मीशो पे क्वालिटी तो मीशो के हिसाब से ही मिलती है। तो ये इसका लहंगा है कुछ इस टाइप में, जो कि फुली स्टिच है,
और इसके जो बॉटम में है एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, और इसके लहंगे के जो सेंटर में है बस हल्के फुल्के सीक्वेंस वर्क किए हुए हैं, और इसमें लाइनिंग भी अटैच है। तो कुछ इस तरीके इसमें इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क की हुई है, फुल डिटेलिंग दी हुई है बॉटम में। और लहंगे की जो प्लेटें हैं वो भी काफ़ी अच्छी खासी है, और फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। बस क्वालिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है दिखने में, लेकिन काफ़ी इसका प्यारा लुक है। इसमें जो आपको कलर ऑप्शन है वो आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑरेंज कलर में और एक लाइट पिंक में। अगर आपको परचेज करना है तो कोड जो है वो मैंशन कर दूँगी, और इसमें जो भी कलर है मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी साइड में, तो आप देख लीजिएगा कि कैसा इसका लुक है। और इसके साथ एक दुपट्टा मिला था कुछ इस तरीके का, जो कि लाइट पिंक कलर में। दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी हुई है, चारों तरफ कुछ इस तरीके की इसमें लेस दी हुई है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। और दुपट्टे में हल्के फुल्के सीक्वेंस वर्क किया हुआ है और एम्ब्रॉयडरी वर्क की हुई है। इसका जो फैब्रिक है ये भी नेट में है, और इसका जो प्राइस है वो 1400-1500 के आसपास है, तो कोड जो है वो मेंशन कर दूंगी। तो ये सेकंड लहंगा चोली है, इसे भी मैंने मीशो से परचेज किया है। ये लहंगा चोली नहीं है बल्कि ये लहंगा साड़ी है, तो साड़ी टाइप में ये लहंगा है कुछ इस तरीके का। तो ये इसके साड़ी टाइप में लहंगा है कुछ इस तरीके का, पिंक कलर में मैंने इसको परचेज किया था। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक वाइट कलर, एक नेवी ब्लू कलर में और एक ये पिंक कलर में। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक है, और इसमें एक दुपट्टा अटैच है, और इसका जो डिज़ाइन है वो जिगजैग में है, जो कि इसमें जिगजैग में फुल सीक्वेंस वर्क किए हुए हैं, पूरी डिटेलिंग दी हुई है इसमें। और इसमें आपको कैन भी अटैच मिल जाएगी और इनर अटैच मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक था। इसकी जो फ्लेयर है वो बहुत ही कम है, जैसे फोटो में दिखाया था फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन काफ़ी फ्लेयर कम है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इसके मैं बॉटम में दिखा देती हूँ कि क्या क्या अटैच है। तो आप पहले देख लीजिए, इसका लहंगा है और इसके जो नीचे है एक पट्टी सी है, और इसके नीचे इनर अटैच है, फिर इसके नीचे कैन अटैच है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इसमें वर्क किया हुआ है, लेकिन फ्लेयर जो है वो काफ़ी कम है। और ये जो लहंगा है वो आपको फुली स्टिच मिलेगा। इसका जो ब्लाउज है इसमें आपको ब्लाउज जो है वो स्टिच नहीं मिलेगा, इसमें आपको बस फैब्रिक मिलेगा। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का था। तो अभी आप इसका दुपट्टा देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इसका दुपट्टा है, जो कि इसमें अटैच है, इसमें लाइनिंग दी हुई है दुपट्टे में, जिसमें सीक्वेंस वर्क का काम किया हुआ है। जो दुपट्टे की जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। इसके साइड में बॉर्डर दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी वर्क का। तो लुक कुछ इस तरीके का था। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो मुझे मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देती, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जो ब्लाउज का जो फैब्रिक था वो एकदम सिंपल था, पिंक कलर में ही था, और जो इसका फैब्रिक था वो जॉर्जेट में था। ये पूरा ही लहंगा जो साड़ी का जो फैब्रिक था वो जॉर्जेट में था, और इस लहंगे साड़ी की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी ना ज़्यादा बुरी थी। तो इन सब लहंगे चोली की जो लिंक है या कोड है वो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। तो ये आज के चार लहंगे थे जिनका रिव्यू मैंने आपका शेयर किया। अगर आपको किसी और पे भी आउटफिट पे या रिव्यू चाहिए तो मुझे लिंक को या कोड या मेंशन कर देना, मैं आपको ज़रूर उसकी रिव्यू शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।